आइए देखते हैं बिजनेस सेंस कैसे आपको हेल्प करता है आपके बुक्स के बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ये जो पैनल आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, ये बिजनेस सेंस बुक्स के लिए जो हम लोगों ने एक स्मॉल ईआरपी बनाया हुआ है उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। ये आप खूबसूरत सा डैशबोर्ड देख रहे हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, जो आपको यहाँ पर पूरी मंथली सेल्स की इन्फॉर्मेशन देता है कि इस मंथ में आपका कितना सेल्स हुआ है, कितना परचेस हुआ है, क्रेडिट कैश में आपका कितना परचेस हुआ है, क्रेडिट कैश में आपका सेल्स कितना है, उसके बाद रिसिप्ट कितना है, पेमेंट कितना है, क्रेडिट और डेबिट वेंडर्स वाइज कितना है। यहाँ पे आपको पर डे का जितना सेल्स होता है उसका एक ग्राफ दिखाई देता है आपके। यहाँ पे आपके टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप लीस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स देखते हैं, अपने 5 ऐसे प्रोडक्ट जो सबसे कम आपके बिकते हैं, तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। आइए देखते हैं कैसे आप यूज कर सकते हैं बिजनेस सेंस को अपने बुक्स के बिजनेस के लिए। बुक्स में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, या तो हम इंडिविजुअल बुक्स बेचते हैं या स्कूल्स के लिए जो सेट्स होते हैं, तो उस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। आइटम मास्टर्स में सबसे पहले आपको स्टॉक ग्रुप बनाना होता है, ये आपका ग्रुप होता है किन किन ग्रुप्स के आप प्रोडक्ट बेचते हैं। उसके बाद आपके पास होता है आइटम्स कि कौन कौन से आइटम्स में आप डील करते हैं, कौन कौन सी किताबें आपके पास है। यहाँ पे आपको एड न्यू करना होता है। एड न्यू आप करते हैं दो तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। एक तो आपके पास या तो रेगुलर किताबें हैं, उसमें आपके पास लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, इंग्लिश है, बुक का नेम क्या है, बुक का कोड क्या है, उसके बाद कौन सी क्लास की ये बुक है वो आपको डालना होता है, सब्जेक्ट कौन सा है, स्टॉक ग्रुप क्या है, बुक ऑथर क्या है, बुक पब्लिशर कौन है, बुक एडिशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, आईएसबीएन है या नहीं है। तो जैसे ही आप यस करते हैं आपको यहाँ पे आईएसबीएन नंबर के लिए कॉलम आ जाता है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस, टैक्स कैलकुलेशन आपको एक्सक्लूड रखना है या इंक्लूड रखना है, टैक्स टाइप आपका टैक्स नहीं है या एचएसएन बेस्ड है या मैनुअल है, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। और डिफाइन करके आपको सिंपली सेव करना होता है। जैसे ही आप सेव करते हैं यहाँ पे आपका बुक बन जाता है। इस तरीके से आप पूरे बुक को देख सकते हैं, जो भी आपने बुक बनाया है कि बुक का टाइप क्या है, ऑल जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाली हुई है। यहाँ पे आप नीचे एक अलग सी इंफॉर्मेशन देख रहे हो, यहाँ पे आपको डालना होता है बुक का टाइटल, उसका प्राइस, आईएसबीएन नंबर और इसका सेल स्टेटस क्या है और यूज फॉर सेट। अगर आप यूज फॉर सेट को टिक रखते हैं मीन्स इस बुक को आप सेट में भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आप सेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेट क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको इस रेडियो बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस रेडियो बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपके पास एक एडिशनल विंडो आ जाता है, एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आप सेट प्रोडक्ट लिस्ट डिसाइड करते हैं। यहाँ पे आप सेट का नाम देते हैं लाइक माई बुक फॉर क्लास दिस वन, या कि कोई भी सेट का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कोड डिफाइन करना होता है, यहाँ पे आप क्लास डिफाइन करते हैं किस क्लास के लिए आप सेट बना रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है। अगर इस सेट में हमारे पास 7 बुक्स हैं तो हम लोगों को यहाँ पे 7 लिखना होता है। जिस स्कूल के लिए हम लोग बना रहे हैं उस स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म में आप जितने भी ड्रॉप डाउन देख रहे हैं सेट में या रेगुलर में, ये सारे ड्रॉप डाउन में जो भी वैल्यूज आती है वो मास्टर्स से आती है। आपको जब भी सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं आपको मास्टर्स में एंट्री करनी होती है, और इन बिटवीन कोई भी चीज नहीं आती है तो आप वहाँ पे मास्टर्स में ऐड कर सकते हैं। या आप ऐड करते हैं यहाँ पे, जैसे ही मैंने यहाँ पे 7 डाला कि हमारे पास इस सेट में 7 बुक्स है, आपको यहाँ पे 7 कॉलम्स ओपन दिख जाते हैं। जैसे ये 7 कॉलम्स होते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है, इस ड्रॉप डाउन में आपको वो सारी बुक्स दिखाई देती हैं जिनके आपने स्टेटस किया था अलाउड फॉर सेट। तो आपको यहाँ पे बुक्स सिलेक्ट करनी होती है, वो उनका प्राइस ऑटोमेटिकली उठ के आ जाता है। यहाँ पे आप कमीशन भी सेट कर सकते हैं। ये कमीशन होता है जब आप B2B सेल करते हैं तो कितने डिस्काउंट पे आप इसे बेचने वाले हैं, वो एक परसेंटेज आप यहाँ पे डाल देते हैं कि किस बुक पे आप कितना परसेंट देने वाले हैं। उसके बाद ये जो सारी बुक्स हैं इनका जो टोटल प्राइस होगा वो कितना होगा। तो जैसे जैसे आप बुक सिलेक्ट करते जाते हैं ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है। तो ये प्राइस ऑटोमेटिकली चेंज होता है। यहाँ पे आप इसका जो सेट होता है इसको आप सेट कर देते हैं यूनिट को कि आपका पूरे सेट का वैल्यू इतना है। तो आप बुक सिलेक्ट करते जाइए, प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पे टोटल होके आ जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपका 875 है आप डिस्काउंट करके किसी और अमाउंट पे भी देना चाहते हैं तो यहाँ पे वो अमाउंट लिख सकते हैं। यहाँ पे सारे आपके डिस्काउंट होते हैं, आपको सिंपली सेव करना होता है। जैसे ही आप सेव करते हैं यहाँ पे आपका सेट क्रिएट हो जाता है और उस सेट को फिर आप सेल्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि आप आइटम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बुक्स कैसे क्रिएट करेंगे या सेट कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि
हमें शॉप आइटम्स बनाने होते हैं। शॉप आइटम्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। शॉप आइटम्स होते हैं, अगर आपकी मल्टीपल शॉप्स हैं, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो या फिर आपने अपने स्पोक्स बनाए हुए हैं जिनको मोबाइल पॉस दिया हुआ है या अपना पॉस दिया हुआ है, उन्हें आप रजिस्टर करते हैं। जो भी आपकी रजिस्टर्ड शॉप होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी आपकी रजिस्टर्ड शॉप है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देती है। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, तो जितनी भी बुक्स आपके पास अवेलेबल होती हैं वो सारी बुक्स यहाँ पे आ जाती है। इनमें आपको आगे चेकबॉक्स दिखाई देता है। इस चेकबॉक्स में आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन कौन सी बुक हम लोग इस शॉप को असाइन करना चाहते हैं। अभी सारी बुक्स अनअसाइन है, इसमें से मैं कोई भी बुक को असाइन कर सकता हूँ। तो अगर ये दो बुक असाइन करता हूँ तो ये जो मेरा सेलर है ये सिर्फ ये दो बुक्स को बेच सकता है। सो ये आपको इनेबल करता है कि आप अपने जितने भी रीसेलर्स हैं, जितने भी शॉप्स हैं, उनको कौन कौन सी बुक्स असाइन करना चाहते हैं और वो वहाँ से क्या बेच पाएंगे, वो चीज़ आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। आपको सिंगल क्लिक करके और सेव करना होता है और उनको बुक्स असाइन हो जाती है। उसके बाद हम लोगों का होता है ISBN नंबर। यहाँ पे आपका ISBN नंबर की लिस्ट होती है, जितनी भी आपके पास बुक्स हैं उनके जो ISBN नंबर है उनको आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको बारकोड प्रिंट करना है या फिर बारकोड आपको प्रिंटिंग के लिए देना है तो आप यहाँ से जनरेटेड बारकोड्स को निकाल सकते हैं ISBN नंबर के। उसके बाद होता है बुक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मास्टर्स आप यहाँ से क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ें आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप ड्रॉप डाउन में देखते हैं, वो सारे के सारे मास्टर्स यहीं से बनते हैं। तो आपको बुक सब्जेक्ट का मास्टर यहाँ से बनाते हैं, बुक क्लास का मास्टर यहाँ से बनाते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस आप जब आइटम बनाएं तो वहाँ पर उठ के आना चाहिए। उसके साथ में बुक्स के ऑथर का पूरा लिस्ट यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऑथर्स आपको देने हैं, उनका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ऑथर्स को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद बुक पब्लिशर आप जितने भी पब्लिशर्स हैं वो सारे पब्लिशर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पब्लिशर के बाद में बुक एडिशन, कौन कौन से एडिशंस हैं आपके पास बुक के, वो एडिशंस का मास्टर आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से टैक्सेस में आप डील करते हैं, वो टैक्स का मास्टर आपको सिंपली ऐड करना होता है। यहाँ पे टैक्स का नाम, टैक्स का वैल्यू कितना परसेंट है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होती है, और यूनिट डिफाइन करनी होती है कौन कौन सी यूनिट्स में आप डील करते हैं, बुक में करते हैं, बॉक्स में करते हैं, सेट में करते हैं, पीसेज में करते हैं, या जो भी यूनिट्स आप यूज करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिट्स बना सकते हैं। सो ये हम लोगों ने देखा कि मास्टर्स कैसे काम करते हैं। मास्टर्स के बाद हम लोग अब देख लेते हैं कि अकाउंट्स इसमें कैसे काम करते हैं। यहाँ पे एक अकाउंट मास्टर होता है। अकाउंट मास्टर में आपके पास तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक वेंडर होता है जिससे आप मटेरियल प्रोक्योर करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप वेंडर का नाम देते हैं, कंट्री, सिटी, मोबाइल, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट पीरियड, क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये आपको चेक करना है या नहीं करना है उसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके साथ में एड्रेस क्या है, GSTN नंबर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके आप सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये आपके वेंडर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वेंडर के साथ में स्कूल का मास्टर, जैसे आपने वहाँ पे देखा आप सेट्स बना रहे हैं, तो सेट जब आप बनाते हैं तो सेट बनाने के लिए आपको मास्टर्स की ज़रूरत पड़ती है कि आप किस स्कूल के लिए सेट बना रहे हैं। तो आप अपने जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल की लिस्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में पार्टी लिस्ट, तो पार्टी लिस्ट मींस किन किन को आप B2B में सेल्स करते हैं, उन सारी पार्टीज की इंफॉर्मेशन को आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। पार्टी का नेम क्या है, उसका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, कस्टमर टाइप वो किस टाइप का कस्टमर है, किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये सीधे सीधे डिस्काउंट और आपके कमीशन से रिलेट करता है। यहीं पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, क्रेडिट पीरियड कितना होगा, मुझे ये बिल टू बिल मैनेज करना है या कैसे मैनेज करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर देते हैं। बहुत ही इजी सा इंटरफेस है कि कोई भी पर्सन इस इंटरफेस को चला सकता है। आपको बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं होती है, हर कोई इसको बहुत ईजीली यूज़ कर सकता है। तो ये हम लोगों ने देखा वेंडर मास्टर एंड स्कूल मास्टर एंड पार्टी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये होती है यूज़र सेटिंग्स। आपने ये सॉफ्टवेयर लिया है, आप इसे यूज़ कर रहे हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आपके यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप उन्हें जो एक्सेस देना चाहते हैं उसके लिए आप रोल्स क्रिएट कर सकते हैं कि आप कौन कौन से रोल्स बनाना चाहते हैं। रोल का कोई भी एक नाम दे दीजिए,
रोल का आप नाम दे देते हैं, उसे डिफाइन कर देते हैं, रोल आप एडमिन के लिए दे रहे हैं या शॉप के लिए दे रहे हैं वो डिफाइन कर देते हैं, फिर उन्हें आप कौन कौन सी परमिशंस दे रहे हैं। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं जितने सॉफ्टवेयर में है, उसमें से कौन सी आपको ऐड की परमिशन देनी है, कौन सी व्यू की देनी है, एडिट की देनी, डिलीट की देनी है या सारी परमिशंस देनी है, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका रोल बन जाता है। रोल बनाने के बाद आपको बनाना होता है यूजर। तो जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो आप यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और उसे यहाँ पे रोल असाइन कर देते हैं कि कौन सा रोल देना है। तो जो भी आपने रोल उन्हें असाइन किया है वो सिर्फ उतनी ही चीजों को यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। इन यूजर्स को आप असाइन भी कर सकते हैं किसी भी शॉप को, कि अगर मेरा एक पर्टिकुलर यूजर है, मैं उसको चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर शॉप को असाइन करना, तो मुझे यूजर सर्च करना होता है, शॉप सेलेक्ट करके सबमिट कर देना होता है। ये आपके लिए काम आता है जहाँ पे भी आप मैनेजर असाइन करते हैं। आपकी 10 दुकानें हैं, उसके लिए आपने एक मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है, तो आप उस मैनेजर को ये 10 दुकानें दे सकते हैं। तो उन 10 दुकानों में जितना भी काम हो रहा है, जो भी बिजनेस हो रहा है, वो ये पर्टिकुलर मैनेजर एक्सेस कर पाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन देख पाएगा, उसके ट्रांजेक्शन देख पाएगा और उनको पूरा पूरा सपोर्ट कर पाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि कैसे यूजर्स बनते हैं। यहाँ से अब हम देखते हैं शॉप्स कैसे बनती है। आपकी मल्टीपल शॉप्स हैं, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, तो आप यहाँ से शॉप्स क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको शॉप पे क्लिक करना होता है, ऐड शॉप पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपने शॉप के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन डाल दिया और उसे सबमिट कर दिया। शॉप आपकी जो होती है वो तीन तरह की हो सकती है। एक आपकी ब्रांच हो सकती है, आपकी फ्रेंचाइजी है या आपका ही को ब्रांडेड आउटलेट है, या जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वैसी ब्रांच हो सकती है। कोई सब ब्रांच हो सकती है कि हमने कोई ब्रांच ओपन किया है, उसके नीचे जो हमारी सब ब्रांच है वो सब ब्रांच हो सकती है। और यहाँ पे तीसरा होता है शॉप, कि आपकी ये एक एक्सटर्नल शॉप है जिसको आप कुछ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं अपने सेल करने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने एमपॉस में बनाया, तो एमपॉस को जितने भी यूजर्स यूज कर पाते हैं वो शॉप यूजर्स होते हैं। तो यहाँ से आप शॉप क्रिएट कर देते हैं, तो ये शॉप की लिस्ट आपकी यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। शॉप की लिस्ट के बाद में शॉप यूजर्स, तो यहाँ से आप शॉप यूजर्स क्रिएट कर देते हैं। जो भी आपने शॉप सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर कौन कौन से यूजर्स होंगे और वो क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। रोल आप यहाँ से डिफाइन कर देते हैं। यहाँ से आप देख लेते हैं कि कौन सी शॉप के लिए मैं यूजर बना रहा हूँ, तो ये यूजर रिस्ट्रिक्शंस भी आप यहाँ से दे सकते हैं कि अपनी शॉप में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जो भी यूजर्स होंगे, वो यहाँ से क्रिएटेड होंगे, ताकि हर यूजर अपने लॉगिन से ही काम करे, हमारे पास ट्रैक हो कि कब किस पर्सन ने क्या काम किया है। उसके बाद डिस्काउंट, शॉप डिस्काउंट, हमको शॉप में जो भी डिस्काउंट्स देने हैं, तो हम जो भी शॉप हम लोगों ने लाइक टेस्ट पार्टी, हम लोगों ने एक शॉप बनाया हुआ है, इस शॉप को हम लोगों को जो भी डिस्काउंट देना है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे शॉप का नाम होता है, हमें डिस्काउंट सेट पे देना है या फिर रेगुलर देना है। अगर सेट पे डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे सेट्स की इंफॉर्मेशन होती है। हम लोग चेक कर देते हैं कि इनको कौन कौन सा सेट असाइन करना है और कितना कितना डिस्काउंट देना है। सो यहाँ पे डिस्काउंट का अमाउंट हो जाता है। जब भी हम लोग इस शॉप को कोई भी मटेरियल सेल करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उतना डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे डिस्काउंट दिए हुए हैं, डिस्काउंट वन एंड डिस्काउंट टू। लाइक अगर आप 40% डिस्काउंट देते हैं, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट देते हैं, तो पहले आपका 40% डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है, फिर उस डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर 10% और डिस्काउंट एडिशनली अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से सिंपल से आपको फीड करना होता है, फीड करके सेव कर देना होता है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन पास हो जाती है यहाँ से शॉप डिस्काउंट के लिए। उसके बाद दूसरा डिस्काउंट होता है कस्टमर डिस्काउंट। शॉप डिस्काउंट हम लोगों ने देखा कि शॉप को हम लोग जो माल बेच रहे हैं उसमें हम लोग को उन्हें कितना डिस्काउंट करके माल बेचना है, इसे आप डिस्काउंट भी बोलते हैं। कई बार हम लोग अगर कोर बिजनेस की लैंग्वेज में बात करें तो उसे कमीशन भी बोला जाता है। तो डिस्काउंट या कमीशन, जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर डिस्काउंट, कस्टमर डिस्काउंट होता है कि आप कस्टमर्स को क्या क्या डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत एक्सटेंसिव हम लोगों ने एक पैनल बनाया हुआ है, यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। डिस्काउंट का नाम आप दे सकते हैं, डिस्काउंट आपको किस टाइप का देना है, डिस्काउंट देना है कैश डिस्काउंट देना है या कमीशन देना है, ये कैशबैक देना है या कमीशन देना है। डिस्काउंट आपने दिया, डिस्काउंट आपका पर बिल है या पर प्रोडक्ट है, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हम लोगों ने पर बिल का अथॉरिटी, कैशबैक के अंदर हम लोग पर बिल या पर प्रोडक्ट पे भी जा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट कैशबैक है, कैशबैक मेरा पर बिल है या फिर कैशबैक मेरा पर प्रोडक्ट है, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है।
डिस्काउंट टाइप का वैल्यू क्या है, कि क्या वैल्यू का मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, वो वैल्यू मुझे यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। डिस्काउंट का स्टार्ट डेट क्या है, डिस्काउंट का एंड डेट क्या है। उसके बाद अलाउ कस्टमर ग्रुप के लिए है किसी स्पेसिफिक, या फिर सारे कस्टमर्स के लिए है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, कस्टमर बनाते टाइम एक कस्टमर टाइप का ऑप्शन हम लोगों के पास आया था। वो कस्टमर ग्रुप्स होते हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं, और स्पेसिफिक ग्रुप को, जैसे आप कोई भी ग्रुप बनाते हैं, प्लेटिनम मेंबर बना लिया, या आपने कोई एग्जीक्यूटिव क्लब बनाया हुआ है, उनको एक स्पेसिफिक डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्काउंट वैल्यू किस टाइप से देनी है, अमाउंट में देनी है, या परसेंट में देनी है, या परसेंट ओवर परसेंट में देनी है। डिस्काउंट की आपकी लिमिट क्या होगी, पर वीक, पर डे, या फिर पर मंथ, उसकी कितनी मैक्सिमम लिमिट आप देने वाले हैं। फिर डिस्काउंट कूपन्स आप इस पे अप्लाई करने वाले हैं, या डिस्काउंट हर किसी को मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप डिस्काउंट कूपन भी अपना डाल सकते हैं, जिस कूपन को अप्लाई करने के बाद ही डिस्काउंट मिलेगा। मल्टीपल कूपन्स अलाउड है या नहीं है, मल्टीपल नंबर ऑफ बिल्स, कितने नंबर ऑफ बिल्स एक वीक में या एक मंथ में किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ बिल अलाउ टाइप क्या है, वो भी यहाँ पे आप डिफाइन कर देते हैं। अलाउ विद अदर डिस्काउंट, ये दूसरे डिस्काउंट के साथ एप्लीकेबल होता है या नहीं, इसमें भी आप यस नो कर देते हैं। देन आपका डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप पूरा डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या है। इसे आपको थोड़ा सा और एक्सटेंसिवली देखना होगा, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो डेडिकेटेडली डिस्काउंट के लिए होगा, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा अच्छे से इसे और समझ पाएंगे। जो भी आप सेटिंग्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टेबल दिखाई देती है। इस टेबल में आपको सिलेक्ट करना होता है कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे आप डिस्काउंट देने वाले हैं। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसका यहाँ पे आप डिस्काउंटेड अमाउंट डाल देते हैं। अगर आपने अमाउंट डाला हुआ है, अगर आपने परसेंट डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे परसेंट डिफाइन कर देते हैं, और इसे सिंपली आपको सेव कर देना होता है। तो जैसे ही आप सेव करते हैं, तो ये कस्टमर्स के लिए जो भी आपका डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाता है। तो आप बेचेंगे या आपकी शॉप्स के लिए भी आप इसे अगर अलॉट कर देते हैं तो वहां पे भी काम करेगा ये। उसके बाद असाइन कस्टमर डिस्काउंट, तो जब भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्काउंट बना लिया, अब इस डिस्काउंट को हम लोग असाइन कर सकते हैं अपनी शॉप को या ब्रांचेस को। तो अगर मेरी ये शॉप्स बनी हुई है, वहां पे मुझे कोई भी डिस्काउंट असाइन करना है, तो डिस्काउंट मैंने देखा और इस डिस्काउंट को असाइन कर दिया, तो ये डिस्काउंट उस शॉप पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप सेंट्रलाइज्ड अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही आपकी जो दूसरी दुकान है वहां के डिस्काउंट्स को आप प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में सेटिंग होता है, सेटिंग में आप अपनी पूरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं। आपका जो भी बैंक डिटेल्स होता है, वो बैंक डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड करके रखते हैं। और उसके बाद एक्सपेंस कैटेगरी, जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं, तो कौन कौन सी कैटेगरी में आपके एक्सपेंसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस को यहाँ पे आप एंटर कर देते हैं, कि हम लोगों का कोई पेटी कैश होता है, या रेंटल एक्सपेंस है, या इस टाइप से जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस की आप कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं। ये हम लोगों ने देखा मास्टर। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं, आपको सबसे पहले ये सारे मास्टर्स बनाने होते हैं। मास्टर्स बनाने के बाद में आप शुरू करते हैं ट्रांजेक्शन्स की एंट्री। ट्रांजेक्शन्स कम्प्लीटली यहाँ पे फ्लो वाइज है। आपको सबसे पहले ऑर्डर एंट्री करना होता है। जैसे ही आपके पास कोई B2B कस्टमर का ऑर्डर आता है, आप कस्टमर सिलेक्ट करते हैं। कस्टमर के अकॉर्डिंग आपके अगर कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं तो उनकी लिस्ट आ जाती है, वो आपको दिखाई देते हैं कि मुझे इनको लेना है या इसमें कंसीडर करना है या नहीं करना है। तो आप ये देख रहे हैं, जैसे एक पेंडिंग ऑर्डर रखा हुआ है, तो उस पेंडिंग ऑर्डर में कौन सी क्वांटिटी थी जो हम लोगों ने ली या नहीं ली है। अगर मुझे उसको यूज नहीं किया है तो मैंने उसको यहाँ से मैं चेक भी कर सकता हूँ। अदरवाइज मुझे यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नाम आ जाते हैं, कौन कौन से सेट्स हैं जो मुझे इस शॉप को देने हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी हमें सिर्फ वही दिखाई देते हैं जो शॉप को हम लोगों ने असाइन किए हुए हैं। यहाँ पे ऑर्डर नंबर होता है, आप मैन्युअली अपना जो भी एक ऑर्डर नंबर है उस ऑर्डर नंबर को फीड कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट का इनको आपके पास ऑर्डर आया है वो आप फीड कर लेते हैं। यहाँ पे आपका पूरा वैल्यू आ जाता है, वैल्यू को आप सेव कर देते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर को सेव करते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑर्डर स्लिप ओपन हो जाता है, कलेक्शन स्लिप ओपन हो जाता है, पैकेजिंग स्लिप होता है और शिपिंग स्लिप होता है। ऑर्डर स्लिप को हम लोग देख लेते हैं। ऑर्डर स्लिप आपका जनरेट होता है, अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्डर स्लिप का एक फॉर्मेट है कि पूरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी बुक है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है, प्राइसिंग है, क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं। उसके बाद कलेक्शन स्लिप, जैसे ही आप कलेक्शन स्लिप पे क्लिक करते हैं, तो कलेक्शन स्लिप वो होती है जब मटेरियल हमें पिक करके लाना है, तो कौन कौन सी बुक्स कितनी कितनी पिक करके लाना है उसके लिए। पैकेजिंग स्लिप, आपको क्या क्या मटेरियल पैक करना है, और पैक करने के बाद जो आपको चेक करना है वो आप कैसे चेक करेंगे। उसके बाद शिपिंग लेबल,
तो शिपिंग लेबल आपको यहाँ पे मिल जाता है विद बारकोड। आप यहाँ पे क्वांटिटी डाल के इसको प्रिंट कर सकते हैं सिंपली स्टिक करने के लिए बॉक्स का ट्रैकिंग के लिए। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन होती है ये आपके पास यहाँ पे आ जाती है। अब उसके बाद दूसरी चीज आती है सेल्स इनवॉइस। तो जो भी हम लोगों ने ऑर्डर यहाँ पे बनाया जब हमारा पूरा ऑर्डर रेडी हो जाता है सारा मटेरियल कलेक्ट हो जाता है तो हम लोग फिर उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे हमारे पास पूरा वैल्यू आ जाता है। अब हमारा ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का था वो यहाँ पे हमें दिखाई देता है, बट अभी हमारे पास अवेलेबल मटेरियल कितना है और हम उसका कितना सेल्स कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन डाल के सेल कर सकते हैं। जैसे ही आप सेल करते हैं तो यहाँ से आपका एक सेल्स का एंट्री जनरेट हो जाता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है डायरेक्टली आपके इन्वेंट्री को भी अफेक्ट करता है और आपकी अकाउंट्स को भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ से इनवॉइस होता है और एक इनवॉइस भी आपका प्रिंट हो जाता है। आपकी फिर परचेस होती है तो जो भी आप परचेस करना चाहते हैं वो सारी परचेस जो भी आपने परचेस की है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है। आप वेंडर को सिलेक्ट करते हैं, वेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको आइटम सिलेक्ट करने होते हैं। आपने आइटम सेलेक्ट किया, कितनी क्वांटिटी में आपको कौन कौन सा आइटम चाहिए वो आप डिफाइन करके सेव कर देते हैं। इस तरीके से सिंपली आप एक परचेस को सबमिट करते हैं, परचेस रिटर्न आपके पास अवेलेबल होता है। जो भी आपने परचेस की हुई है पास्ट में अगर उसमें से कोई भी आपको रिटर्न करना है तो आपको सिंपली वेंडर सेलेक्ट करना होता है। बिल्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं कि उस वेंडर से आपने क्या क्या परचेस किया, जिसे आप सिलेक्ट करते हैं तो उस परचेस नंबर परचेस आईडी के अगेंस्ट में आपने क्या क्या आइटम खरीदा था, एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी और कितना आपको रिटर्न करना है, वो रिटर्न का वैल्यू यहाँ पे डालना होता है और आपको सबमिट करना होता है। आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और ये डायरेक्टली आपके इन्वेंट्री को भी अफेक्ट करता है और डायरेक्टली अकाउंट को भी मैनेज कर लेता है। सेल्स रिसिप्ट स्लिप, तो सेल्स के लिए अगेंस्ट में हम लोगों को जितना भी पेमेंट आ रहा है उस पेमेंट का हम लोग एंट्री कर सकते हैं। किस जैसे ही हम लोग कोई भी एक शॉप को सेलेक्ट करते हैं उससे हमारा जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाती है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, वाउचर कितना है, क्रेडिट डेबिट कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद में पे स्लिप, आपको वेंडर को जितना भी पेमेंट करना है तो वेंडर पेमेंट के लिए आप वेंडर सेलेक्ट करते हैं, उसका आपको पूरा लेजर यहाँ पे दिखाई देता है। उसके बाद आप एंट्री कर देते हैं कितना आपको अमाउंट पे करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना क्रेडिट है, कितना डेबिट है, जो भी बैलेंस आप पे करते हैं सबमिट करते हैं वो पेमेंट सबमिट हो जाता है। तो ये वो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं जिससे कि आप अपना पूरा बिजनेस मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा मास्टर्स, मास्टर्स के बाद हम लोगों ने देखा सारे ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स के बाद में आती है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में हमारे पास परचेस की रिपोर्ट होती है, परचेस लिस्ट, वेंडर वाइज परचेस लिस्ट और प्रोडक्ट वाइज परचेस लिस्ट। यहाँ पे परचेस की पूरी रिपोर्ट्स हमारे पास में होती है। इसको आप फिल्टर भी कर सकते हैं ऑल टुडे डेट वाइज बिटवीन डेट पे, जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दो डेट्स आ जाती है। अगर मंथ वाइज करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि मुझे फरवरी 2019 का देखना है और जैसे आप गो करते हैं तो उसका रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये फिल्टर आपके पास होते हैं सभी तरीके के। उसके बाद में सेल्स, सेल्स में आपके पास कई तरह की रिपोर्ट होती है, ऑर्डर रिपोर्ट, इनवॉइस रिपोर्ट, बैच सेल, ब्रांच सेल रिपोर्ट, शॉप सेल रिपोर्ट, स्कूल सेल रिपोर्ट, स्कूल कमीशन रिपोर्ट एंड शॉप कमीशन सेल रिपोर्ट। ये सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई देती है, आपको सिंपली क्लिक करना होता है, पूरी रिपोर्ट्स आपके सामने होती है, उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी के नाम पे भी यूजर वाइज अगर आप कुछ फिल्टर करना है तो आप यूजर वाइज भी कर सकते हैं। आपको ऑल बिल्स देखना है या आर्ली देखना है या कम्युनिटी देखना है तो वो सारी रिपोर्ट्स आपके सामने अवेलेबल होती है। उसके बाद आइटम लिस्ट रिपोर्ट, करंट स्टॉक रिपोर्ट, फ्रेंचाइजी रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाई देती है। आप आइटम रिपोर्ट में देखते हैं कौन कौन से आइटम्स आपके पास हैं, कितनी कितनी क्वांटिटी में आपके पास आइटम्स हैं, वो सारे के सारे आपको दिख जाते हैं। और इसी के बाद में आप जो भी प्रोडक्ट का स्टॉक है वो स्टॉक आप देख सकते हैं कि आपके पास करंटली कितना स्टॉक रखा हुआ है। तो ये आइटम के बाद में हम लोग फ्रेंचाइजी के करंट स्टॉक भी देख सकते हैं कि किस फ्रेंचाइजी के बाद पास कितना स्टॉक रखा हुआ है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर सिर्फ शॉप सेलेक्ट करना होता है। शॉप आपसे अगर 1000 किलोमीटर दूर भी है तो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करके गो करना होता है और आपको यहाँ पे स्टॉक दिखाई देगा कि उनका स्टॉक का पोजीशन करंटली क्या है। उसके बाद अकाउंट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका कस्टमर लेजर अकाउंट, कस्टमर लेजर अकाउंट के लिए आपको सिंपली कस्टमर को सिलेक्ट करना होता है। आपको लेजर कब का देखना है, ऑल देखना है या कौन सा लेजर देखना है, आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके पास होता है। आप इसका एक्सेलेंट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में आपको कस्टमर अकाउंट देखना है तो कस्टमर अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं,
तो यहाँ पे आपको कस्टमर का जो भी क्रेडिट और डेबिट है वो पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाई देते हैं। वेंडर का लेजर अकाउंट सेम, आपको वेंडर सेलेक्ट करना होता है, आपको ऑल देखना है या मंथली देखना है, तो वो पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे लेजर अवेलेबल होता है। उसके बाद में वेंडर का अकाउंट, अकाउंट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, वेंडर सेलेक्ट किया वो किया, आपको डेबिट के ट्रांजेक्शन कितने हैं, क्रेडिट के कितने ट्रांजेक्शन हैं, वो सारे ट्रांजेक्शन दिखाई देते हैं। इसको आप एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक्सेल डाउनलोड हो जाता है। इस एक्सेल को आप ओपन करेंगे तो इस एक्सेल में आपके पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेल फॉर्मेट में भी, इसको आप एक्सेल में भी ले सकते हैं, पीडीएफ में भी ले सकते हैं, ये दोनों चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं। इसके बाद आप जीएसटी रिपोर्ट्स भी निकाल सकते हैं, इनपुट परचेस डेटा, आपका इनपुट का क्या रिपोर्ट है, ये आपको करंट मंथ का रिपोर्ट दे देता है। उसके बाद आप इसको फिल्टर भी कर सकते हैं, जिस मंथ के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करना है, तो आप सर्च पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको दिख जाता है कि कौन से मंथ का, या फिर अगर आपको ये पूरे ईयर का देखना है तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास अभी जो इसमें डेटा अवेलेबल है वो मई मंथ का अवेलेबल है, इसलिए आपको यहाँ पे मई का दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम लोग उसको फिल्टर करते हैं, वो फिल्टर करके हमको डेटा दिखा देता है। अगर मैं मई 2020 करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि मेरा इनपुट परचेज डेटा का जो रिपोर्ट है वो क्या है, आउटपुट मीन्स मेरा जो भी सेल्स का रिपोर्ट है वो क्या है, ये भी मई मंथ के अवेलेबल है, सो वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लेजर अकाउंट्स, सो जो भी वेंडर है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वेंडर वाइज आपको पूरा का पूरा वाउचर नंबर्स दिख जाते हैं, कौन कौन से वाउचर से आपका कितना आउटपुट गया है। सो जीएसटी में आपका आउटपुट का जो टैक्स समरी है वो यहाँ दिख जाता है, आपका इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, और आपको अल्टीमेटली कितना टैक्स पे करना है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, ये आपने पूरा डेमोंस्ट्रेट